मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा उद्देश्य है मजबूत देश के मजबूत नागरिक। किसानों के लिए भी वित्त मंत्री के झोले से कुछ निकला है। चलिए आपको बताते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। बजट में प्रावधान किया गया कि 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी सरकार पूरा करेगी। साथ ही अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाने का प्रावधान किया जाएगा। किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए इस बजट में काम करने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कृषि अवसंरचना में निवेश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक किसान की आय दोगुनी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कॉरपोरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का काम भी सरकार करेगी। उधर इन सब के अलावा किसानों के हित में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार निवेश को बढ़ावा देगी। इज अ वर्ड फाउंड इन द हरप्पन सीड्स व्हिच मींस गिल्ड। सेटी इज अ वर्ड फाउंड इन द हरप्पन सीड्स व्हिच मींस होलसेल मर्चेंट। सेटी वाज अ होलसेल मर्चेंट इन द सिंधु सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। खुददार इज एन अफेयर ऑफ मेटल। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।